बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी सम्मान में रखे, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल हेल्थी होम टिप्स को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज हम प्लम जूस बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक ड्रिंक है। इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने जो है वाइटामिन और मिनरल्स पैदा किए हैं। वाइटामिन सी बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट में पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म से सारी हमारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्थी और ग्लोइंग रखता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। ये मैदे और जिगर की काफ़ी बीमारियों को दूर करते हैं। तो रेसिपी के लिए जो भी हमारे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें काइंडली आप नोट कर लें। सबसे पहले हमने जो है 12 के नज़दीक आलू बुखारे ले लिए हैं, फ्रेश आलू बुखारा है ये, और इसके जो है बीज हमने अलग कर लिए हैं। इनको काट के बीज हम लोगों ने अलग कर लिए। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून जो है वो लेमन लिया है, लेमन जूस। इसके अलावा जो है 1/2 टीस्पून ये काला नमक लिया है, और चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो लें। ये 1/2 टीस्पून लिया है। चीनी मैंने 5 टेबलस्पून लिया है, जो शुगर पेशेंट है वो इसको स्किप करें। ज़ीरा जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। आइस मैंने 2 कप्स लिए। पानी मैंने 3 कप्स लिया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आलू बुखारे के जूस के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम डालने शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं प्लम डाल रही हूँ। प्लम बहुत ही हेल्दी जो है वो फ्रूट है। प्लम में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लम जो है वो हमारे निज़ाम हज़म को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत बेहतर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और काइंडली जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको हमारी हेल्दी रेसिपीज मिलती रहें। आप इसमें काला नमक डाल रहे हैं। अब इसमें लेमन जूस, अब चाट मसाला जा रहा है। चाट मसाला आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सफ़ेद ज़ीरा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें घरों में। अब मैं चीनी डाल रही हूँ, और चीनी जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। से ठंडा पानी मैंने लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके फिर आपको दिखाते हैं। अब सब कुछ हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये आपके जिगर मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इससे जिगर की सारी गर्मी दूर हो जाती है। मैदे की गर्मियों के लिए बहुत ही अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है आलू बुखारा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब हम इसमें आइस डाल के इसको सर्व करेंगे। अब हम सर्विंग करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग हमारा प्लम जूस तैयार है। सबसे पहले हम आइस क्यूब डालेंगे। आप अपनी फैमिली इसको पिलाएं, बच्चों को, बड़ों को, सब भी बहुत ही उनके लिए ठंडा और एनर्जेटिक ड्रिंक है। गर्मी में एंजॉय करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं। बहुत ही एनर्जी बूस्टर ड्रिंक आपका जो है वो रेडी हो गया। अब इस पे जो है हम पुदीना जो है वो डालेंगे, फ्रेश पुदीना। पुदीना भी जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है,
हमारे मैदे जिगर को ठंडा रखता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करना है और हमें कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा ये ड्रिंक लगा है। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा और काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।